यह संसार पंच तत्व से निर्मित है, जल पंच तत्वों का ही एक अवयव है और पृथ्वी पर जल एक महत्वपूर्ण पदार्थ है। जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे मनुष्य का जीवन हो या जानवर का या किसी पौधे का ही जीवन क्यों न हो, पानी अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी पर पानी नहीं होता तो रहीमदास भी किसी जमाने में कह गए कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी हमारे शरीर के कोने कोने में पोषक तत्वों को पहुंचाता है, हमारे मस्तिष्क को ऑक्सीजन देता है और पानी ही हमारे शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकाल फेंकता है। इसीलिए हमको दिन में पानी की अधिक से अधिक मात्रा पीनी चाहिए। लेकिन किस तरह का पानी? आजकल पानी भी अनेकों किस्म के हो गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कमल कुमार आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ, एल्कलाइन वाटर। आज हम एल्कलाइन वाटर के बारे में बात करेंगे। आजकल कुछ लोगों का मानना है कि एल्कलाइन वाटर यानी क्षारीय पानी साधारण मिलने वाले नल के जल से बेहतर है, पर विज्ञान इसका समर्थन नहीं करता। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि क्या एल्कलाइन वाटर पीने से कुछ फ़ायदा है या नुकसान है, और क्या हमको ये पीना चाहिए या नहीं। रोजमर्रा में पीने के पानी से एल्कलाइन वाटर के पीएच का स्तर अधिक होता है और सामान्य पानी का पीएच आमतौर पर 7 होता है और क्षारीय पानी का पीएच लगभग 8 और 9 के मध्य रहता है। आपने एल्कलाइन वाटर के कई स्वास्थ्य संबंधी दावों को सुना होगा। कुछ लोग कहते हैं कि यह उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है और कुछ लोगों का ये मानना है कि शरीर के पीएच के स्तर को एल्कलाइन वाटर नियंत्रित करता है। पर मैं उन्हीं लोगों से बड़े धीमे स्वर में पूछूंगा कि जब एल्कलाइन वाटर नहीं था तो शरीर के पीएच को कौन नियंत्रित करता था? और कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि एल्कलाइन वाटर कैंसर जैसी भयानक बीमारी को भी रोक सकता है। लेकिन वास्तव में ये क्षारीय पानी क्या है और इसका इतना प्रचार क्यों हो रहा है? जो लोग एल्कलाइन वाटर के हिमायती हैं, उनका मानना है कि क्षारीय पानी रक्त प्रवाह में एसिड करेक्टर को न्यूट्रलाइज करके ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा देता है, जिससे एनर्जी बढ़ती है और मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि क्षारकीय पानी हड्डियों के नुकसान को रोकता है। हालांकि इस तरह के दावों का समर्थन करने के लिए बहुत कम विश्वसनीय सबूत हैं। प्राकृतिक क्षारकीय पानी आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है क्योंकि ये प्राकृतिक खनिज और लवण से भरपूर होता है, जबकि बाजार में मिलने वाले क्षारीय पानी में उच्च पीएच के साथ खनिज और लवण की संभावना कम होती है। भोजन के साथ एल्कलाइन वाटर कभी न लें। डाइजेशन में एसिड की आवश्यकता होती है और एल्कलाइन वाटर एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे डाइजेशन की प्रक्रिया में असर होता है। अगर एल्कलाइन वाटर लेना ही है तो भोजन के 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद ही लें। एक प्रसिद्ध क्लिनिक की वेबसाइट के द्वारा नॉर्मल वाटर सबसे अच्छा है। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षारीय पानी के समर्थकों द्वारा किए गए दावों की पुष्टि कोई भी वैज्ञानिक नहीं करता, ऐसा वो कहते हैं। मनुष्य का शरीर एक जटिल मशीन है जो खुद ब खुद अद्भुत कार्य करने की क्षमता रखता है। यदि शरीर के पीएच स्तर में कुछ बदलाव आता है तो मानव शरीर स्वयं ही इसे संतुलित कर देगा, आप कुछ भी पिए। तो फिर क्या क्षारीय पानी पीने से कुछ नुकसान है? हर दूसरे या तीसरे दिन 500 से 700 ml एल्कलाइन वाटर पीने से शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पर यदि आप रोजाना 3.5 लीटर पानी एल्कलाइन वाटर ही पीते हैं तो शरीर के पीएच बनाए रखने के लिए शरीर को बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि समय के साथ आपका शरीर अधिक गैस्ट्रिक जूस और अधिक डाइजेस्टिव एंजाइम का उत्पादन करना प्रारंभ कर देगा, क्योंकि एल्कलाइन वाटर के स्वास्थ्य संबंधी लाभों का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है। इसलिए यह स्वास्थ्य में सुधार लाएगा इसकी भी कोई सलाह नहीं दे रहा है। अतः निष्कर्ष ये है कि यह निर्णय आपके ऊपर है कि आपको क्षारीय पानी का सेवन करना है या नहीं। इससे पहले कि मैं अपनी निष्पक्ष राय बताऊं, एक अपील उन सभी दर्शकों से चैनल सब्सक्राइब करने के लिए जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया लाइक करें और शेयर भी करें, जिससे आपके साथ आपके दोस्तों को भी एक अच्छी जानकारी मिल सके। हाँ,
यदि आप क्षारीय पानी का सेवन करना ही चाहते हैं तो इसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ाएं, वरना प्रशासन द्वारा दिए जाने वाला ट्रीटेड वाटर सबसे अच्छा है। उसको अगर आप एक फिल्टर के जरिए और आरओ के थ्रू TDS 100 से 200 सेट कर लें तो सबसे उत्तम पानी है। खूब पीजिए पानी और स्वस्थ रहिए। और इसी के साथ समाप्त करता हूँ। मुझे मालूम है कि मेरे आगे आने वाली वीडियो का आप लोगों को इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।